अस्सलाम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलियास गुमन साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वो रफीक तैयार साहब के लिए आपने 10 लाख रुपए का इनाम रखा था कि अगर वो मुनाजिर के लिए तैयार हो जाए तो वो तैयार हैं, तो फिर क्या करना है आपने? कौन रफीक तैयार के लिए आपने इश्तहार छपवाया था ना, पम्पलेट। हेलो, साहब? नहीं, रफीक साहब तैयार है ना? वो कह रहे हैं कि ठीक है, हम रेडी हैं, तो आप कब करना तो चाहते? रफीक साहब इनकार करके भी दौड़ गए, मैं वहां बैठ के सर जोश चढ़ गए। तो अरे यार, मैं उसकी तरफ से बात कर रहा हूँ आपके साथ, और करो, आपके झूठ ना बोला करो, झूठ ना बोला करो। रफीक साहब यहाँ पर आए थे, नंबर आपसे दिया हुआ था, पाकिस्तान के नंबर भी दिया। लोगों ने पूछा मुनाजरे करते ही नहीं, तुम्हें अजीब वहां बैठ के सर जोश चढ़ता है। अजीब मैं कह रहा हूँ, मेरी आज उससे बात हुई, वो मुनाजरे के लिए तैयार। अच्छा, आप कब कर रहे हो? आप कब कर रहे हैं मुनाजरे, बताएं। छोड़े उसको, वो भागे नहीं भागा, आप कब कर रहे हैं? लगा करो, अपनी औकात में रहा करो। मैंने तुम्हें कई बार कहा था, अपनी औकात में रहकर बात किया करो, अपने काम में लगे रहो, बस तो वक्त ना जाया किया करो। मुल्तान में मुनाजरा करना है, अगर आप तैयार हैं तो बता देना, मुनाजरा करवा लेते तो हैं मेरा वक्त ना जाया किया करो। जो तुम्हारा रफीक है उसको कहना पाकिस्तान आकर मुझसे रब्ता कर ले। कितनी बार मैंने तुम्हें कहा? ना। जब आप झूठ बोल रहे हैं, आप कह रहे हो मेरे घर पे आए थे, आप कह रहे हैं वो पाकिस्तान में आ जाए, तो वो पाकिस्तान में ही तो है। दौड़ गया तुम्हें वहां बैठ कर, जोश चढ़ गया। अभी आप कह रहे हैं उसको कहें, अपना नंबर देता, तुम्हारा नंबर देने की उसको क्या जरूरत थी? मेरा कब नंबर इसने दिया गया आपको? मेरे को फोन किया आप लोगों ने? पूछो पूछो से जो यहाँ पर इश्तिहार छापा, नंबर किसका दिया हुआ था? नंबर मैंने यार दिया। एक बात नंबर सऊदी यार, दबा करो बुरा, मैं तुम सबको जानता हूँ, अपनी औकात में रहा करो। अच्छा, आप जो कब कर रहे तुम्हारा हो? कुछ पाकिस्तान आए तो ठीक से कहना मुझे फोन करे आकर। आपसे वो गुनाह करना चाह रहे हैं, इस हफ्ते के अंदर आप बताएं कि मुझसे रब्ता करे, ठीक मुझसे बात करे। रफीक ताहिर साहब बात करेंगे आपसे, मुनाजरा कब कर रहे हैं आप ये बता देना। तुम उनसे तोड़ बांध कर बात करना करो, रफीक से को मुझसे बात करे। कितनी बार मैंने समझाया तुम्हें, चलो मैं कह रहा हूँ शोकानी साहब से मुनाजरा करना है। उमर शोकानी से को मुझसे खुद बात करे, उससे बात करते शर्म आती है। अरे भाई, हम मुनाजरा तय करवा रहे हैं ना आपका, आप क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं? बात करे आप गुस्सा इतना क्यों हो रहे हैं? मुझसे बात करे, बस बात खत्म हो गई। तो मैं मुनाजरा करवा रहा हूँ ना शेर साहब, मेरे को 10 लाख रुपए करवाने वाले थे। हाँ, मुझसे बात बराह रास्त होती है, रफीक दार के मुंह में छाले हैं, मुझसे बात नहीं कर सकता? अरे आपके जो चेले हमसे बात करते हैं, उनके मुंह में छाले लगे हुए हैं क्या? हाँ, निकलो दरमियान से, मेरा नंबर तो मुझसे करे, आप मुझसे करो ना। दिलों में घुसे रहते हैं, तुम्हें वहां जोश चढ़ा रहते हैं। अरे सऊदी अरब में तो यकीन करो, जिस दिन आप आ गए मैं आपसे अपनी औकात में रहकर बात किया करो, मैंने कई बार तुम्हें समझाया। अच्छा, आप सऊदी कब आ रहे हैं? जब भी आऊंगा, मेरा जब भी जाएगा, मैं तुम्हारा पाबंद हूँ। कब सऊदी आ रहा हूँ? रफीक साहब से को मुझसे खुद रब्ता करे। आपके लिए मैं वीजा निकालता हूँ, विजिट कहाँ आप आएंगे? बस करो, बस करो, अपने साथ में रहा करो, ऐसे वक्त में जाया किया करो मेरा। शेख साहब, आप वैसे गुस्सा हो जाते हैं, मान से मजाक नहीं, मैं खुद दिया मेरा वक्त में जाया करो, बस अपने काम में लगे रहो। आप मुनाजरे का जोश चढ़े मुझसे खुद बात करे। शेख साहब, आपको गुस्सा क्यों चढ़ जाता है? देखो मैं कितने प्यार से आपसे बात करूँ। मुझे तुम्हारी हरकतों में अफसोस होता है, गुस्सा नहीं आता, दुख होता है। तुम टके टके के आदमी हो, मैं तुम्हें कहता हूँ रफीक साहब ने मुझसे मुनाजरा करना, उसको मेरा नंबर दो, वो मुझसे बराह रास्त बात करे। आप तो मेरे से भी ज्यादा टके के, आप तो मुकल्लिद हैं, मैं तो फिर भी अलू लजीज हूँ। मैं कहता हूँ जिसने मुनाजरा करना है रफीक साहब से, मुझसे बराह रास्त बात करे। मैं कर रहा हूँ ना आपसे बात है, मैं अल्लाह की कसम, आप मुझे बताया कि मुनाजरा कब करना है? रफीक ताहिर भाई पहुंच जाएंगे वहाँ पे, रफीक को मुझसे बात करे, तुम वक्त जाएगा ना करो मेरा। एक काम करें, मुल्तान में आज से ठीक 4 दिन के बाद मुनाजरा रख लें। मैंने आपसे कह दिया रफीक साहब से, तो मुझे फोन करे। आप इकरार करें, मैं देखिए आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, नेट पे लगेगी, सारी दुनिया सुन रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं तुम सबको बड़ी अच्छी तरह तुम्हारी हरकतें जानता हूँ, तुम्हारी रिकॉर्डिंग भी समझता हूँ। तो मुझे बताया मैंने बहुत 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 बड़ा इदराक और एहसास दिया है, तुम सबको तुम्हारी परेशानियां मैं अच्छी तरह जानता हूँ। शेख साहब, अल्लाह की कसम, आप कुछ भी नहीं जानते हैं। आपको सऊदी अरब में आपके बंदे परेशानियां बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आपके तुम्हें बता दी है, हमारे पाकिस्तान के जितने बड़े मुनाजिर हैं मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ। आप मुझे 4 दिन के बराह रास्त रास्ता, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 4 दिन के बाद आप रफीक तैयार से मुनाजरा करेंगे, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। तुमने कई बार चैलेंज कर लिए, मैंने तुम्हारे चैलेंज के जवाब भी दे दिए, एक्सेप्ट करें ना। तुम्हारा आया और आकर दौड़ भी गया। आप एक्सेप्ट करें, कहें कि हाँ ठीक है, 4 दिन के बाद मैं मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। हेलो हेलो, मौलाना साहब, जनाब चंगे पा गए। ये इनका हाल है। हाँ,